आज हम बनाएंगे दाल तड़का की रेसिपी। ये जो रेसिपी होती है होटल और रेस्टोरेंट में ही हमें ज्यादातर मिलती है, तो इसको आज हम घर पर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए देखिए, मैंने ले लिया है एक खाली बाउल और यहाँ पर मैंने लिया है आधी कटोरी तुअर दाल, और तुअर दाल में हम दो दालों को और मिक्स करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने ली है मूंग की दाल, मूंग की धुली वाली दाल। इससे क्या है कि टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होता है और टेस्ट थोड़ा अलग आता है। और ये वाली ली है मैंने साबुत मसूर की दाल। तो अब इन सबको मिलाकर इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल भी हमारी दाल हो गई है, अब हम दाल को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिए कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल को। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरे को। सबसे पहले हमें जीरे को तड़कने देना है थोड़ा सा। उसके बाद हमें इसमें डालनी है 3 काली मिर्च, 1 से 2 लौंग, थोड़ा सा हींग और एक दालचीनी का टुकड़ा। तो ये चीज़ें हमें इसमें डालनी है, एकदम स्पेशल जो रेस्टोरेंट वाला स्टाइल वाला जो तड़का दाल होता है, तो उसी को आज हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटी मीडियम साइज की प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो क्या होता है कि दाल में ज़्यादा प्याज का टेस्ट दाल में नहीं आता है। तो हम इसमें मीडियम साइज़ की, छोटे मीडियम साइज़ की प्याज बारीक बारीक काट कर इसमें डाला है। तो प्याज को क्या करना है, बिल्कुल सोंधे सोंधे से इसको हमें फ्राई होने देना है, जिससे कि जो उसका टेस्ट निकल के आए एकदम परफेक्ट है। और लंबे लंबे में 2 से 3 मिर्च को काट कर इस तरीके से डाल देना है, जब प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन कलर की हो जाए। तो इसी टाइम पर हमें इसमें ऐड करना है हल्दी को, लाल मिर्च को, और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे जीरा पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले को। तो और इसको अच्छे से भूनने देंगे 1 मिनट के लिए। तो ये गरम मसाला मैंने इसमें अभी डाला है, और इसको अच्छे से भूनने देंगे। तो जो हमारी प्याज है वो इस टाइम पर अच्छे तरीके से भून गई है। अब हम इसमें टमाटर को ऐड करेंगे। तो टमाटर भी हमने बारीक बारीक बिल्कुल काट लिया था, उसको बिल्कुल इसमें डाल देंगे हम। और ये जब तक अच्छे से मैश नहीं हो जाएगा, मैश ही वाली स्टेज नहीं आता, तब तक हम इसमें दाल को ऐड नहीं करेंगे। तब हो गया है मैश, अब हम कर देंगे इसमें दाल को ऐड। तो ये देखिए, दाल को इस तरीके से चला लीजिए, अभी बढ़िया टेस्ट दाल का आता है। आप इस बार इसको जरूर ट्राई करें, घर में आप इसको जरूर ट्राई करें। जो लोग या फिर बच्चे दाल से मुंह बनाते हैं वो भी इसको खाना शुरू कर देंगे अगर आप इस तरीके से दाल को बनाएंगे। तो देखिए, दाल को भी 5 से 7 मिनट लगे हैं, बॉईल हो चुकी है। अब हम इसमें करते हैं तड़के की तैयारी। तो तड़के की तैयारी करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक तड़का पैन। तो इसमें डाल रही हूँ मैं 3 से 4 चम्मच देसी घी को। देसी घी हमें थोड़ा अच्छा लगता है, तो दाल में वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 4 चम्मच हम देसी घी इसमें यूज़ करेंगे। मैंने डाली है इसमें 2 बड़ी वाली लाल मिर्च सूखी हुई, इसको हमें सबसे शुरू में डालना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग को, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा 1/4 चम्मच लाल मिर्च को। ये चाहे तो आप कश्मीरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉन कश्मीरी वाली ली थी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पर लिया है। अब हमारा जो तड़का है वो एकदम तैयार है। तो दाल में हम लगाएंगे तड़के को। ये देखिए, फर्स्ट क्लास का तड़का हमारा दाल में लग चुका है, और इसका जो टेस्ट आता है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। तो इसी तड़के का सारा कमाल होता है दाल में, और शुरू में जो हम इसको फ्राई करते हैं उसी से ये दाल हमारी ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होती है। तो अब हम तड़के को थोड़ा सा स्पून की हेल्प से मिला लेंगे, और देखिए ये किस तरीके की हमारी जो दाल है बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ आप खाना चाहें खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।